बूचड़ खानों पर योगी के एक्शन पर आजम खान ने उठाए सवाल। देश भर में बूचड़ खानों पर बैन लगाने की उठाई मांग, तो वहीं मुस्लिमों को दी मीट नहीं खाने की नसीहत। एक तरफ जहां योगी के राज में अवैध बूचड़ खानों पर ताले जड़े जा रहे हैं, तो वहीं एसपी नेता आजम खान ने योगी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ यूपी में अवैध बूचड़ खानों पर हो रही कार्रवाई से तिलमिलाए आजम खान ने देश भर के बूचड़ खानों पर रोक लगाने की मांग की है। आजम खान ने वैध और अवैध पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आजम ने कहा कि आखिर वैध या अवैध क्या होता है? गोहत्या पर प्रतिबंध केवल एक राज्य में नहीं पूरे देश में लगना चाहिए। किसी एक राज्य के लिए एक नियम, दूसरे राज्य के लिए दूसरा नियम नहीं होना चाहिए। तो वहीं मुस्लिमों को दी मीट नहीं खाने की नसीहत। इस्लाम का हवाला देते हुए आजम खान ने कहा कि इस्लाम में कहीं भी मीट खाना अनिवार्य नहीं बताया गया है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय को इस बारे में सोचना चाहिए। तो वैध और अवैध बूचड़ खानों की इस लड़ाई में विपक्ष योगी सरकार को घेरने में लगा हुआ है, लेकिन बूचड़ खानों पर योगी सरकार की कार्रवाई से साफ है कि बीजेपी किसी भी अवैध बूचड़ खाने को बख्शने के मूड में नहीं है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।